नमस्कार साथियों, एक एंटीबायोटिक दवा जिफी 200 टैबलेट आती है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। इंडिया में पॉपुलर एंटीबायोटिक में से एक है, तो कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है, क्या नुकसान हो सकता है, या इससे संबंधित आम लोगों को जो भी जानकारी होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिफी 200 टैबलेट की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक मतलब कि शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब जिफी 200 टैबलेट के अंदर जो कंटेंट होता है या कंपोजिशन होता है, जो इसमें साल्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिफिक्सिम। अब सिफिक्सिम क्या है? ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, एक तरह की ऐसी दवा जो काफ़ी तरह के बैक्टीरिया को मार देती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार देती है। और कैसे मारती है? बैक्टीरिया के ऊपर की जो सेल वॉल होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, उसको रोक देती है, तो उससे बैक्टीरिया मर जाता है, तो अंदर आपके शरीर में ग्रो नहीं करेगा और इन्फेक्शन से आपका शरीर लड़ पाएगा या ठीक हो पाएगा। तो ये जो जिफी 200 टैबलेट है, इसके अंदर सिफिक्सिम होता है। अब 200 जो लिखा है, इसका मतलब है कि 200 मिलीग्राम। वैसे ये जिफी 400 भी आती है, 100 भी आती है, तो डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्फेक्शन है या कहाँ का इन्फेक्शन है। इन बातों को देख के फिर ये दवा की डोज बेसिकली दी जाती है, कि 200 वाली चाहिए कि 100 वाली चाहिए कि 400 वाली चाहिए। मोस्टली 200 वाली ही चलती है सिफिक्सिम, मतलब कि जिफी 200 ज़्यादा पॉपुलर है। कीमत की बात करें तो 10 टैबलेट इसका 100 रुपये के आसपास या 110 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। FDC कंपनी द्वारा ये बेची जाती है। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है या कौन सी बीमारियों में दी जाती है। तो जैसा मैंने बोला कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना चाहिए, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हल्के और मॉडरेट किस्म के। तो जैसे किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाए, फेफड़े में हो जाए, गले में हो जाए, फ्रेंजाइटिस हो जाए, कान में हो जाए, नाक में हो जाए, स्किन में हो जाए, हड्डियों में हो जाए, ज्वाइंट्स में हो जाए, तो इन सब में भी दी जा सकती है। और ये दवा स्पेशली जैसे किसी को खून में इन्फेक्शन मिल रहा है, मतलब उन्होंने जाँच कराई CBC में तो टोटल काउंट बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल बढ़ा है, या ESR बढ़ गया है, CRP बढ़ गया है, ऐसा कोई भी मार्कर जो दिखा रहा है कि शरीर में इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें ये टेबलेट दी जा सकती है। कई बार जैसे किसी को बुखार आ रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या कारण हो सकता है, तो टाइफाइड के व्यक्तियों में दी जाती है। इसके अलावा किसी के पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब की थैली में हो जाए, पेशाब के रास्ते में हो जाए, या किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो ये कुछ कॉमन मतलब इन्फेक्शन है जिसमें यह दवा जिफी 200 रिकमेंड करी जाती है। तो आपको लिखी गई है, मतलब आपके अंदर लग रहा होगा या कुछ संकेत आ रहा होगा कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उसको मारने के काम आएगी। कितने दिन तक कैसे खाना है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्फेक्शन है, कहाँ का इन्फेक्शन है। अगर नॉर्मल जैसे व्यक्तियों में बात करें कि जब ब्लड इन्फेक्शन या टाइफाइड वगैरह के लिए लिखी जाती है या निमोनिया वगैरह के लिए लिखी जाती है, तो ये जो जिफी 200 है, ये सुबह शाम आपको दी जाएगी, खाना खाने के बाद आप ले लें, और ऐसा कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसा चलता है। एंटीबायोटिक है तो अपने से नहीं बंद कर दें कि एक दो टैबलेट खाई और बंद कर दिया, जब मनाया स्टार्ट किया, जब मनाया स्टॉप कर दिया, या लंबा खाते गए, ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, उतने दिन ही लेना चाहिए, असर नहीं आ रहा है तो चेंज करना पड़ता है। पर ऐसा ना करें कि एक दो दिन करके उसको छोड़ दें, तो ये सुबह शाम मोस्टली चलती है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्तियों में ऐसा होगा, वो वेरिएशन चलता रहता है, तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करो। सेफ्टी की बात करें तो सिफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक है, नॉर्मली सेफ दवाई हम लोग मेडिकली कंसीडर करते हैं। हालांकि इसके जो मेन साइड इफेक्ट ये है कि किसी को पेट खराब हो सकता है, दस्त लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है, उल्टी लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह हो सकती है, इसी तरह के ही साइड इफेक्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के साइड इफेक्ट नहीं होते, इसीलिए गर्भवती महिलाओं में या ऐसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क पिलाती हैं, या लीवर की पेशेंट्स हैं, या कोई और क्रोनिक बीमारी के जो पेशेंट्स हैं, उसमें ये सिफेलोस्पोरिन सेफ दवाइयों में आती है, इसलिए ये जिफी या सिफिक्सिम को दिया जा सकता है। तो ये जिफी 200 से संबंधित जितनी इम्पोर्टेंट बातें हो सकती है वो मैंने बता दिया है। बच्चों के लिए भी आता है, सिरप भी आता है पिलाने के लिए। तो इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस रहे होंगे वो आप समझ गए होंगे कि इसको किन कंडीशन में दी जाती है और कैसे दी जाती है, कैसे काम करती है। थैंक यू।